एसी ऑन है, मेरी चाय ये हमेशा चलती रहती है यार, गर्मी हो या बहुत गर्मी हो। वंस अ पहाड़ी विल ऑलवेज बी अ पहाड़ी। चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग, क्योंकि एज यूजुअल मैं बहुत सारी चीज़ें करूँगा और स्पेशली आ रहा सरप्राइज, आज का बिगेस्ट सरप्राइज रिवील करूँगा, क्योंकि जो मेरे व्लॉगिंग जर्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए इस व्लॉग में, देखें आगे क्या क्या होता है, कुछ कुछ अलग अलग होता रहेगा। तो बने रहिए और लास्ट तक देखना व्लॉग को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अभी मेरे को जाना है ज्वेलर के यहाँ, एक देव ज्वेलर करके है, तो उसके पास जाकर दिखाऊंगा, क्योंकि मेरी जो गोल्डन चेन है वो टूट चुकी है। देखते हैं अगर इधर पे फिक्स होती है या कुछ पैसे दे के नहीं मिलेगी। तो फटाफट से गियर अप होता हूँ और जाते हैं मोटरसाइकिल पे, फिर मिलते हैं सीधे देव ज्वेलर्स पे। ये है वो चेन, मेरी गोल्ड चेन जो टूट गई है, देखो यहाँ से टूट गई। अब ये फिक्स होगा नहीं होगा, वरना कुछ पैसे डाल के नई गोल्ड चेन ले लेंगे, देखते हैं। अब जाते हैं अंदर, फिर देखते हैं क्या होता है, कि हमारा काम बनता है नहीं। फाइनली मैं आ गया है ज्वेलर की शॉप से। यार भाई इतने अलग सा है ना इधर पे सब, मतलब इंडिया में ज्वेलरी क्या कैसा होता है, मतलब यहाँ प्राइसेस ही अलग है भाई। और फिर वो रिपेयर नहीं, उन्होंने बोला उनका जो वर्कर है वो छुट्टी पर गया है, कब आएगा। तो मैं आ गया तो सारा मूड ऑफ, बट मैं इंडियन स्टोर भी गया था क्योंकि बगल में ही है, तो शॉपिंग करी मैंने थोड़ी सी, तो बोला चलो वो एक काम हो गया। मोर ओवर आज के दिन का जो मुझे सबसे सही लग रहा है ना अभी तक का, वो ये मेरा शॉप, ये मुझे बहुत कूल लग रहा है, सच्ची सब कूल सा, इसीलिए मैं खुश हूँ, बाकी सब को पट। तो गाइस यार इतनी गर्मी के बावजूद फाइनली थोड़ा मौसम हुआ है जिसे हम बोलते हैं सुहाना। तो यार अब थोड़ा जाके आराम मिला है कि चलो इतनी गर्मी हो रही थी ना, देखो मैंने क्या पहना है, बट अब मौसम अच्छा है तो अब आगे का काम शुरू करते हैं। मेरी विंडो से व्यू देखो बाहर का, ये मेन रोड है और ये पूरा पार्क है, पूरा पार्क। इधर कैंगरूज भी हैं, मैं ले जाऊंगा यार, अभी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन और ईज होने दो तब मैं जाऊंगा घर पे, तब ले जाऊंगा। बट देखो यार क्या सही मौसम हो रहा है। तो अब जितने भी अब आगे जितने भी वीडियोस आने वाली है वो सब मैं कैमरा पे ही शूट करूंगा, क्योंकि यार फाइनली लिया है ना। तो इस भी व्लॉग में अब इसके बाद जितने भी आएगा फुटेज वो कैमरा का ही होगा। थोड़ी सी आवाज़ शायद से अलग लगे क्योंकि अभी मैंने एक्सटर्नल माइक नहीं लिया, ऑर्डर किया है, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज था कि रोड कर लूँ या बोया कर लूँ, बट फाइनली मैंने डिसीजन ले लिया। अब देखो कौन सा आता है, मैं अगले व्लॉग में दिखाऊंगा, तब तक के लिए चलो कंटिन्यू करते हैं इस व्लॉग में। ये है मेरा कैमरा, कैनन का EOS M3 मिररलेस, और ये आता है 1855 कैमरा के लेंस के साथ, और ये काफ़ी अच्छा व्लॉगिंग कैमरा है। द बेस्ट पार्ट इस दिखाता हूँ, ये देखो ये है ना स्क्रीन, यू कैन फ्लिप इट कैसे भी। तो जब मैं व्लॉग कर रहा हूँ तो आई कैन जस्ट सी माई सेल्फ, और अगर मैं पीछे से शूट कर रहा हूँ तो आई कैन टिल्ट द स्क्रीन, एडजस्ट इट अकॉर्डिंग टू माई नीड, एंड दैट्स रियली कूल। तो वापस चला जाता है ऐसे, और ये ट्राईपॉड मैंने लगाया है फ़िलहाल, बट मैं जो भी का ऑर्डर करने वाला हूँ स्ट्रैप मैं निकाल दूंगा, क्योंकि व्लॉगिंग के टाइम पे स्ट्रैप का कोई ज़रूरत नहीं है। माइक लगेगा इसमें, और माइक का पोर्ट है यहाँ पे, ये रहा। तभी माइक आएगा तो वॉइस क्वालिटी और अच्छी हो जाएगी,
और ये काफ़ी लाइट वेट है क्योंकि मिरर लेस है, तो बॉडी सिर्फ इतनी है इसकी, और ये कैमरा लेंस है। तो लेंस मैं अभी वाइड एंगल लूँगा कुछ टाइम बाद, क्योंकि अभी तो शुरू किया है जस्ट व्लॉगिंग। तो ये देखो सिर्फ बॉडी कितनी पतली है, मिरर लेस का यही है, काफ़ी स्लीक सा है। तो अगर करो एडजस्ट करो कैसे भी, काफ़ी अच्छा है व्लॉगिंग के हिसाब से, और इसके विजुअल्स बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। कैनन तो वैसे भी नाम है, और इसका बैग है, बैग मैंने इसका अलग से ख़रीदा था अच्छा वाला, क्योंकि ये प्रॉपर ये रफ एंड टफ बैग, इसमें काफ़ी पॉकेट्स है लेंस के लिए सब के लिए। तो जैसे अब इसके बैटरी का है, चार्जिंग बैटरी एक लगती है, बैटरी चार्जर है, बाकी इसका अलग सा जो वो मिला है क्या बोलते हैं उसको, चार्जिंग केबल, अगर ये ट्रांसफ़र करना है चार्जिंग केबल है, ये लेंस की कैप है कैनन। तो काफ़ी अच्छा कैमरा है यार ये, बहुत सही लगा मतलब मेरे को। और ये ब्रांड न्यू नहीं है, तो मैंने रिफर्बिश लिया था, मुझे डील मिल गई थी, क्योंकि ये हार्डली यूज्ड हुआ होता है, तो मेरे को तो बस शुरू करना था, उसमें काफ़ी सारे मोड्स हैं। तो अभी भी मैं भी अपना कैमरा वो नहीं हूँ, मतलब काफ़ी मैं यूज्ड टू नहीं हूँ, क्योंकि इंडिया में तो है मेरे पे DSLR सोनी का, तो काफ़ी टाइम बाद यूज़ किया है, तो देखो हल्के हल्के सीखेंगे। तो फाइनली अब मैं हूँ अपने कैमरे से व्लॉगिंग कर रहा हूँ, ट्रायपॉड लगाया है, ठीक ठाक ट्रायपॉड है, नया ट्रायपॉड लेने वाला हूँ। मुझे प्लीज़ बताना कि वॉइस क्वालिटी कैसी आ रही है, क्योंकि अभी इसमें एक्सटर्नल माइक नहीं लगाया है, बट जल्दी लग जाएगा, थोड़ा थोड़ा करेंगे, हल्के हल्के करेंगे, बट अपग्रेड करेंगे। तो फ़िलहाल यार मैं फटाफट से नहाया, अब मेरे को लग गई है भूख, और चाय तो अपनी रेगुलर है, तो अभी चाय के साथ खाने का मौका मिल रहा है ब्रेड पकौड़ा, पनीर ब्रेड पकौड़ा गाइस, जो हम देहरादून में खाते थे। जो देहरादून से देख रहे हैं तो वहाँ जैना की दुकान है, हम लोग बहुत जाते थे उधर, तो आज देहरादून की याद आ गई, क्योंकि मौसम भी जस्ट अब देहरादून जैसा हुआ है। तो मैं दिखाता हूँ थोड़े से सिनेमेटिक व्यूज़ ब्रेड पकौड़ा के, मुँह में पानी आ जाएगा। तो चाय पी ली, ब्रेड पकौड़ा खा लिया, बट अब जाना है थोड़ी शॉपिंग करने। आपको पता है मैं कौन से मॉल जाता हूँ, पास में ही है, तो फटाफट से शॉपिंग निपटाते हैं, फिर अपना स्पेशल डिनर भी बनाना है, क्योंकि आज है संडे, संडे मतलब फंडे। टाइम हो रहा है, अरे टाइम तो कुछ हो ही नहीं रहा, क्योंकि उसकी बैटरी ख़त्म हो गई है, चेंज करानी है, तो अभी जा रहे हैं, और यहाँ हो गया है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, अरे जहाँ जा रहे हैं मैं और राहुल, मौसम बहुत अच्छा हो गया, वरना सच्ची में बाहर नहीं निकलते ना मैं पूरा व्लॉग शूट कर, तो भी हमें देख रहे हो ये मौसम, और ये पेड़ ग्रीनरी ही ग्रीनरी, और रोड खाली, क्या होता है यार, क्या सही ऐसे बोलते हैं ट्रू लव, इतना सही लग रहा है ना, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ हर क्लिप्स में, मगर बहुत सही लग रहा है यार, मौसम एकदम सेक्सी, एकदम देहरादून वाला मौसम हो गया। और देखो अभी आहा, गर्मियाँ चल रही है इधर, भयंकर भयंकर गर्मी, अगर फिर भी सच्ची है यार, भगवान ने साथ दे दिया, वरना इतना काम था, ग्रॉसरी लानी थी, वेजिटेबल फ्रूट सब लाने थे, और अगर धूप होती ना तो नहीं जाते। सो जो बाइक चलाने का भी मन नहीं कर रहा, क्योंकि पूरा स्वेट स्वेट स्वेट, हर जगह स्वेट, और राइडर जैकेट पहना तो सोचो मर गया, फाइनली थैंक्स टू दिस मौसम। चलो यार, इतना पोपट के बावजूद कुछ तो काम बना, फाइनली मेरे वॉच की बैटरी चेंज हो गई है, फाइनली ये देखो चल रही है, बट अभी इसमें मुझे टाइम सेट करना पड़ेगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, मैं सोचा खुद कर लूँ, बट थैंक गॉड मैंने वॉच शॉप में ही चेंज करा ली बैटरी। फाइनली मैं घर आ गया हूँ, और
थोड़ा देर हो गई यार करने में, अब डिनर बनाते हैं। और फाइनली मैं अभी कैमरे से शूट कर रहा हूँ, थोड़ा तो क्वालिटी डिफरेंस लग रहा होगा क्योंकि बाहर में कैमरा लेने गया था अभी। ये देखो गाइस खूबसूरती, तंदूरी चिकन विथ शेजवान सॉस एंड चिली कैप्सिकम। लुक एट दिस ब्यूटी। अब इसको मैं खाऊंगा, ऑलरेडी मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया है देखो। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आई होप ये व्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मैं हमेशा अपना व्लॉग एंड करता हूँ अपने आईफोन से, बट आज आपको कुछ अलग ही दिख रहा होगा मैंने हाथ में पकड़ा है। जी हाँ, ये है मेरा नया कैमरा। और थैंक यू सो मच गाइस। मैं मिलता हूँ आप लोगों से सब अपने नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बी हैप्पी। बाय।